नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की। श्रद्धांजलि दी जा रही है पावन 360 काट के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल जी, रणवीर राठी प्रधान जी और पावन 360 के विभिन्न टपे व सरदारी, जितने भी खाटों के अध्यक्ष टपों की सरदारी आज यहाँ इस पवित्र गांव बावली में पहुंची है, हम उन सबका गांव बावली की ओर से समाचार कैरी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से यह मुकाम आता है, खुश नसीब है वो धन जो देश के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो अमर बलिदानी है जिन्होंने अपना जीवन नौछावर कर दिया। इतिहास है भारत के समाज में, हमारे देश में खापों ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए खापों का विशेष योगदान है और इस पावन धरती पर अपने दो शब्द आज के नाम तमाम 85 तमाम खापों के अध्यक्ष, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेतागण और मेरे समाज के हर वर्ग के जो साथी, जो समाज की आवाज को उठाते हैं, तमाम पुलिसकर्मी और मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आज बादली गांव के इस ऐतिहासिक मंदिर बाबा मोहनदास की धरती पर मैं नमन करता हूं और मैं बधाई देता हूं समाचार कैरी परिवार को, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं है, शहीदों को श्रद्धांजलि देना, तिरंगा यात्रा निकालना, जो आपकी मुहिम है वो साक्षात आज दिख रही है, किस तरीके से लोगों में जोश, नौजवान साथियों में। अभी मैं देख रहा था एक बच्चा छोटा सा जसने महिला, आज जिस तरीके से राजेश भाई बता रहे थे कि देश दोबारा गुलामी की तरफ चल पड़ा है, राजेश भाई जिस तरीके से उस बच्चे का जोश और जुनून देखा, कहीं ना कहीं दोबारा से शहीद भगत सिंह, सुखदेव और तमाम साथी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, उनकी सबकी याद ताजा उस बच्चे ने कर दी है। और ये संकेत है जो सोच, जो प्रशासन या प्रशासनिक ताकतें कहीं ना कहीं गांव को, देहात को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, आज देहात का नौजवान जाग उठा है, ये संकेत यहां से मिल रहा है। चाहे हमारी छोटी बहन गुलिया जी हो, चाहे वो बच्चा हो और तमाम मेरे नौजवान साथी, आज एक देहात में एक आपको देखने को संदेश मिलता है कि जो नौजवान साथी है अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ एक नई जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और मैं तो ये तमाम हमारे 360 के तपे और हमारे 12 गांव मालम गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी रामकण जी, जो इस जिम्मेवारी को पिछले 15 सालों से निभाते आ रहे थे, कोरोना काल में उनका देहांत होने से जो समाज ने एक नौजवान होने के नाते मुझे ये जिम्मेवारी दी, ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है। इस पगड़ी का बोझ बहुत बड़ा है और बहुत भारी है, लेकिन एक नौजवान होने के नाते मुझे ये जिम्मेवारी दी है, ये कहीं ना कहीं संकेत जो मैंने कहा, आज हिंदुस्तान का नौजवान और खास करके देहात का नौजवान जाग उठा है और हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए वचनबद्ध है। और मैं इसके लिए भी आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर समाचार कैरी परिवार का कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। आज जरूरत है इसी तरह के सामाजिक कार्यों की, इसी जोश और जुनून की, जिसको लेकर हम आगे बढ़े। और मैं विशेष तौर पर संजय भाई को भी
बधाई देना चाहता हूं, आज उनका जन्मदिन है। राजेश भाई आपके छोटे भाई हैं, आपने जो शब्द इनके बारे में कहे वो बहुत कम है। इन्हीं का प्यार और इन्हीं की जो कार्यशैली है, मैं देख रहा हूं पिछले 3 घंटे से सब जितने भी साथी मेरे यहाँ बैठे हैं सबका जो है कोई ना कोई कार्यक्रम है, लेकिन संजय भाई का प्यार है जो उनको यहाँ खींच के लेके आया और लगातार 3 घंटे से बैठे हुए, और इनके कार्यशैली की जितनी बात की कम है। लेकिन जिस तरीके से समाचार क्यारी परिवार ये मुहिम चला रहा है, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस मुहिम को और शक्ति और ताकत दो, और ये जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है आजादी की, उस लड़ाई को और शक्ति और ताकत के साथ हम लोग लड़े, और दिल्ली देहात का या ग्रामीण पृष्ठभूमि का, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर भारत के किसी भी कोने की हो, हर भूमि का एक इतिहास रहा है, और हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम भी यहाँ से एक वचन करके जाए कि हम अपने शहीदों को याद भी करेंगे, और कोई हमारी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेगा या गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अपने नौजवान साथियों से भी अपील करूंगा कि आज नौजवान साथी कहीं ना कहीं भटक रहा है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं है, हमारी खास पंचायतों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उनके बारे में भी सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे वर्बली जाकर जागरूक करें लोगों को और बताएं खास पंचायतों का क्या इतिहास है। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और विशेष तौर पर समाचार क्यारी परिवार का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।